नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्मिता पटेल। दिव्या न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज व्यक्ति विशेष में हम बात करें प्रेरणा भाऊवाला जी की। नमस्ते प्रेरणा जी, हमारे दिव्यांग स्टूडियो में आपका स्वागत है। प्रेरणा जी एक मानव सेवा का बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है, तो जानिए उनसे उन्हीं के बारे में। मैं प्रेरणा भाऊवाला मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा सूरत की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और ऑर्गन डोनेशन की स्टेट कन्वीनर हूँ गुजरात प्रांत की। हम लोगों की संस्था एक समाज सेवा की संस्था है जिसके पूरे भारत में 670 ब्रांचेस हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने का काम करते हैं, जिसमें विडोज़ की हेल्प करना, ऑर्फनेज में जाना, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम करना, अलग अलग स्लम एरियाज़ में फ्री चेकअप कैंप रखना, स्कूल की जो रिक्वायरमेंट्स हो, नीडी स्कूल्स की रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। परमानेंट हम वाटर प्योरीफाई के प्रोजेक्ट्स लगाते रहते हैं जगह जगह पर, और गोरक्षा और जीव दया पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। और हमारा मेन प्रोजेक्ट है कैंसर जागरूकता अभियान, जिसकी हमने 3 करोड़ की वैन बनाई हुई है, जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसमें फ्री चेकअप होता है। और यदि फर्स्ट स्टेज में यदि किसी पेशेंट का डिटेक्ट होता है तो उसके बारे में हम लोग हेल्प करते हैं उसकी। तो प्रेरणा जी, आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए अंगदान होता क्या है। दानों में दान, अंगदान, जीवित रखिए मृत्यु उपरांत। बोलते हैं कि दान करना बहुत नेक का काम है। कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, लेकिन सबसे बड़ा दान अंग दान बताया गया है, जो एक मरने के बाद काफ़ी लोगों को जीवन दान देता है। अपने शरीर को, सभी अंगों को जलाकर या दफनाकर नष्ट कर दिया जाता है मरने के बाद। तो क्यों ना हम जीते जी अंग दान करें और जरूरतमंद लोगों को जीवन दें। एक जीवित व्यक्ति यदि अपना अंगदान करता है तो कम से कम वो 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। तो हम सभी को अंगदान करना चाहिए, क्योंकि यही दान सबसे बड़ा दान है। तो प्रेरणा जी, मेरा आपके लिए एक सवाल है कि अगर कोई अंगदान करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। अंगदान के लिए 2 प्रोसेस है। एक, हम लोगों ने पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मिल के डॉक्टर के सुपरविजन से फॉर्म रेडी किया है, जिसमें सभी अंगों के नाम मेंशन किए गए हैं एंड सारी टर्म एंड कंडीशंस मेंशन की गई हैं, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि ऑनलाइन एक लिंक भी हम लोगों ने बनाया है, उस लिंक पे जाके आप उसमें अपना अंगदान का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 विटनेस चाहिए, उसमें यदि आपके फैमिली मेम्बर्स हों, उनके सपोर्ट से यदि अंगदान हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अंगदान तो कर दिए बट यदि हमारी फैमिली मेम्बर्स को पता ही नहीं है तो हमारी डेथ के बाद वो डॉक्टर से कांटेक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है कि हमने, इस पर्सन ने अंगदान किया हुआ है, तो आपको जो भी अंग सही लग रहे हैं वो आप इसकी बॉडी से ले सकते हैं। प्रेरणा जी, आपने अंगदान के प्रोसेस बताई, लेकिन पूरे भारत में ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग क्या वर्क हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए। पूरे भारत में मारवाड़ युवा मंच ने 15 लोगों को ये जवाबदारी दी है, सबके स्टेट कन्वीनर्स बनाए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए अवेयरनेस करें, कि लोग बाग इस चीज़ को समझें कि अंगदान होता क्या है, कैसे किया जा सकता है। उसके लिए हमने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, रायपुर, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पर्सन्स अपॉइंट किए हैं। और हम लोगों ने एक डेटा गवर्नमेंट से लिया है, उससे हमको पता लगा कि अभी तक लगभग 230,000 लोगों ने ही ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म्स फिल किए, जबकि ऑर्गन लेने वालों की लिस्ट इसके मुकाबले बहुत लंबी है। तो हमको ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस लाएं, और इसी के लिए हम अलग अलग जगह कैंपनिंग कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, डॉक्टर्स टीम के साथ, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, जहाँ पे हम लोगों को एक साथ बहुत बड़ी क्राउड मिलती है और हम लोगों को बता सके कि एग्जैक्टली अंगदान होता क्या है, कैसे कर सकते हैं और इससे हमको हमारे जीवन में एक तसल्ली क्या मिलती है। प्रेरणा जी, जैसे कि आपने बताया पूरे देश में अलग अलग स्टेट में ऑर्गन डोनेशन के बहुत सारे कैंपेन लगे हुए हैं और वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ऑर्गन डोनेशन कब कर सकते हैं, क्या उसके लिए कोई वय मर्यादा है, क्या छोटे बच्चे ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि ऑर्गन डोनेशन का जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया है उसमें टर्म एंड कंडीशन है कि ऑर्गन डोनेशन ओनली ब्रेन हेमरेज के केस में ही होता है।
जब कोई पेशेंट ये रोड एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देता है कि वो ब्रेन हेमरेज हो चुका है, तो उसके परिवार को कन्वेंस करके ऑर्गन डोनेशन करवाया जाता है। उसके अंदर लगभग वो पेशेंट ख़त्म हो चुका होता है, उसके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, खाली ब्रेन उसकी डेड हो चुकी होती है। तो इसमें समय सीमा की कोई मर्यादा नहीं है। यदि कोई बच्चा करना चाहे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कम से कम इसकी सीमा जो है, आयु सीमा जो है वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए। और यदि किसी वजह से किसी बच्चे का ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसके परिवार वाले अपनी पूर्व सहसम्मति के साथ डॉक्टर को ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये हमारे बीच नहीं रहा, बट हम चाहते हैं कि इसके जाने के बाद भी ये लोगों के जीवन में रहे, तो वो अंगदान कर सकते हैं। प्रेरणा जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि इंसान मरने के बाद भी हमारे बीच जिंदा रहता है ये ऑर्गन डोनेशन के थ्रू। तो आप हमें बताइए कि हम ऐसे कौन से ऑर्गन है जो हम डोनेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं, जैसे लीवर, हार्ट, दो किडनी, दो आँखें, इंटेस्टाइन, अपनी रक्तवाहिनी, इसके अलावा टिश्यूज़, ये सब ऑर्गन्स हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं। टिश्यू एक ऐसा ऑर्गन है जो 50 से ज़्यादा लोगों को मिल सकता है। एक आदमी के टिश्यू 50 से ज़्यादा लोगों को मिल सकते हैं, और एक आदमी की दो आँखें दो लोगों को रोशनी दे सकती है। और किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हम जीते जी भी दान कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की शरीर में दो किडनी होती है और एक इंसान को वर्किंग के लिए एक ही किडनी की नेसेसिटी होती है। तो मैं ये बोलती हूँ कि किडनी की यदि कोई भी रिक्वायरमेंट हो अपनी फैमिली में या बाहर, तो हमने को किडनी तो ज़रूर डोनेट करनी चाहिए, क्योंकि हम एक किडनी पे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि एक इंसान की किडनी से एक इंसान जिंदा होकर भी किसी और को एक नई जीवन दे सकता है। और आपने बताया आँखों की रोशनी के बारे में, कि एक इंसान और दो इंसान को नई रोशनी दे सकता है। प्रेरणा जी, अभी हमने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा था कि ऑर्गन डोनेशन किया गया है, तो उसके बारे में हम आपसे विस्तार में जानना चाहते हैं। जी, अभी रिसेंटली 15 दिनों में सूरत में और राजकोट में ऐसे 3 केस हुए हैं जिन्होंने अपने अंगों का दान करके काफ़ी लोगों को जीवन दान दिया है। सबसे पहला केस हुआ उड़ीसा के एक आदमी का, जो सूरत में था और एक रोड एक्सीडेंट में वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। वहाँ डॉक्टर्स ने उसका ब्रेन डेड घोषित किया कि ये आदमी का ब्रेन हेमरेज हो चुका है और इस आदमी का जीवन अब 2 से 3 दिन का है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज में हमारे ऑर्गन सब वर्किंग में होते हैं, बट ब्रेन डेड हो गया इसलिए वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते हैं। तो उसके परिवार वालों को डॉक्टर्स ने समझाया कि आप ये नेक काम में जुड़िए, और आपका ये बच्चा तो अब नहीं रहा, बट ये यदि अंगदान करके जाता है तो काफ़ी लोगों को जीवन दान देता है। तो उसके परिवार वालों ने हिम्मत का काम दिखाया और उनके 5 अंग, लीवर, किडनी, हार्ट, 5ों के 5ों अंग उसके दान किए गए और 5 लोगों का उसने जीवन बचाया। साथ में एक कड़ी और इसमें सरकार की तरफ से जोड़ी गई। वो लड़का एक मध्यम वर्गीय परिवार का था, तो उड़ीसा सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब से कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका रोड एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो अपने अंगों का दान करता है, तो उसके परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए 5 लाख की धनराशि गवर्नमेंट सरकार उड़ीसा की तरफ से दी जाएगी। और एक खुशखबरी ये भी है साथ में कि उसका नाम सूरज था और ये नाम जो पुरस्कार का घोषित किया गया वो सूरज पुरस्कार के नाम से ही घोषित किया गया है। तो आप देखिए कि वो नहीं रहा, 5 लोगों को उसने जीवन दिया और उसके बावजूद उसने अपने परिवार के लिए भी एक आधार बना के गया कि मैं नहीं हूँ बट उड़ीसा सरकार उसके साथ थी। इसके अलावा एक केस हुआ 9 साल के बच्चे का, जिसका सुन के तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ कि एक 9 साल के बच्चे का ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके परिवार वालों ने कितनी मुश्किल से ये डिसाइड किया होगा कि हम उसके अंगों का दान करें और दूसरे लोगों को जीवन दान दें, और उस लड़के का, 9 साल के लड़के का दिल आज एक बॉम्बे की 40 साल की औरत के दिल में धड़क रहा है। तो इसकी इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या होगी उस परिवार की कि आज उस परिवार को, उस महिला का परिवार कितनी आशीष दे रहा होगा। ऐसा ही एक केस हुआ राजकोट में, जिसके 4 लोगों को जीवन दान दे के गए। मैं यही चाहूँगी आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ें, अंगदान सबसे बड़ा दान है।
ये हमेशा मृत्यु के बाद भी जीवित रहने वाला दान है। तो देखिए कितने अच्छे उदाहरण हमारे बीच में है कि एक खामोश होती हुई जिंदगी ने कितने लोगों को मुस्कान देती। इसीलिए कहते हैं कि एक खामोशी अनेक मुस्कान, एक खामोशी अनेक मुस्कान, चलो करें अंगदान, चलो करें अंगदान। जी प्रेरणा जी, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन आप हमें बताइए कि आप इस मुहिम से कैसे जुड़े। इस मुहिम से जुड़ना मेरा बचपन का सपना था, जो सपना मेरी माँ ने मुझे 18 साल की उम्र में दिखाया था। जब मैं 18 साल की हुई तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमको एक दिन जला के इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा और हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्होंने भी अपना अंग दान का और शरीर दान का एक कमिटमेंट हम लोगों के साथ लिया हुआ है कि जब भी मेरा शरीर शांत हो तो मुझे घर मत लाना, मेरे शरीर का ही दान कर देना। तब से मेरे मन में था कि मैं भी बड़ी होके ऐसा कुछ कर पाऊँ, अपने समाज के लिए एक मैसेज दे पाऊँ कि हमें अंग दान करना चाहिए। और ये सपना अब मैं एक कदम तक साकार करने की कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ तक जुड़ने की बात है, मैं ही नहीं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस मुहिम में मेरे जीवन साथी सबसे पहले मेरे साथ खड़े हैं और उसके बाद मेरा 20 साल का बेटा, जिसने खुद ने भी दोनों ने अंगदान का एक शपथ पत्र भरा है। और ये नेक काम करने की प्रेरणा हमको दिवाली वाले दिन हमारी अंतरात्मा ने दी कि हमको आज के इस पावन पर्व पे अंगदान करना है। प्रेरणा जी, आज आप डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मुलाकात में आए हो, तो कैसा लग रहा है आपको? आप हमारे संस्था के प्रमुख पद्मश्री डॉक्टर कनु भाई टेलर के बारे में क्या बताना चाहेंगे और हमारे दिव्यांग बच्चों के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये एक ऐसा परिवार है जहाँ मैं आज नहीं आई हूँ, मैं पिछले 11 सालों से आ रही हूँ। और जहाँ तक कन्नू भाई की बात है, वो मेरे पिता तुल्य है, या कहूँ पिता है तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी जैसा प्यार और एक बेटी जैसा सम्मान दिया है। और एक जो प्रेरणा मुझे मिली है कन्नू भाई से, जितनी बार मिलती हूँ उतनी बार मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि बेटा तुम हमेशा समाज सेवा के कार्य में रहना, जहाँ पे भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कन्नू भाई साथ नहीं है, कन्नू भाई आगे हैं, तो मैं उनके पीछे कुछ काम कर पा रही हूँ। ये एक ऐसा परिवार है जिसमें मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं इस परिवार से बाहर की थी, मैं इस परिवार की हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी। और ये बच्चे, इन बच्चों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इन बच्चों के पास आती हूँ तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि बच्चों तुम्हारे अंदर वो जज्बा है कि तुम दुनिया को साबित करके बता सकते हो एक दिन कि हम आज यदि जो कुछ भी कर रहे हैं कन्नू भाई के आशीर्वाद से, वैसे ही आशीर्वाद एक दिन हम पूरे समाज के लिए बनेंगे और समाज के लिए एक सेवा का प्रारूप खड़ा करेंगे। और कन्नू भाई का आशीर्वाद इन बच्चों पे ऐसा है कि जैसे एक भगवान, साक्षात एक भगवान इन बच्चों के बीच और एक हमारे बीच एक कन्नू भाई हैं जो भगवान के रूप में हमारे बीच बैठे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कन्नू भाई का आशीर्वाद हमेशा यूं ही इन दिव्यांग बच्चों पे बना रहे और ये दिव्यांग कन्नू भाई हमेशा इन बच्चों के लिए और हम सब के लिए हमेशा 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 हमारे बीच में रहे। जी प्रेरणा जी, और हम आपसे जानना चाहते कि क्या दिव्यांग बच्चे भी ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं? दिव्यांग बच्चे नहीं, कन्नू भाई ने खुद अपना सबसे पहला शपथ पत्र मुझे जब भर के दिया तो मेरी आंखों में पानी आ गया। कन्नू भाई ने यदि आशीर्वाद दे दिया है तो मेरे को सबका आशीर्वाद मिल गया है। कन्नू भाई टेलर ने खुद ने भी अपना फॉर्म भरा, पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता सब पूरे स्टाफ ने ये फॉर्म भरा है, एक शपथ पत्र भरा है कि हम अंग दान करेंगे। और साथ ही में यहाँ के कॉलेज के बच्चों से मैं मिली, उन्होंने खुद ने बोला कि दीदी हमको भी ये काम करना है। उन्होंने कन्नू भाई से फिर हमने बात की और उन बच्चों ने भी अपने अंगों का दान करने के लिए एक शपथ पत्र भरा है। चाहे उन बच्चों के पास आज कोई भी कमी भगवान ने दी हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इन बच्चों के पास हकीकत में कोई कमी नहीं है, वो संपूर्णतया पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ नहीं थी फिर भी उस चीज़ को अपनाया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कन्नू भाई जैसा परिवार उनको मिला है। तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चों आप पूर्ण हो, बल्कि अधूरे तो हम हैं। प्रेरणा जी, बहुत अच्छी बात की आपने,
और आप खरे अर्थ में प्रेरणा स्रोत हो हमारे सबके लिए। तो प्रेरणा जी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शक मित्रों के लिए? मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगी कि हम मर के भी जिंदा रह सकते हैं, हम मर के भी जिंदा रह सकते हैं। किसी के दिल की धड़कन बनके, किसी के दिल की धड़कन बनके, किसी के जीने की आस बनके, किसी की आंखों की रोशनी बनके, किसी के आंखों की रोशनी बनके, और किसी के जीने का विश्वास बनके, और किसी के जीवन का विश्वास बनके। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम अंगदान करें। बहुत अच्छी बात की आपने कि हम मर कर भी जिंदा रह सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हम नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते अश्मिता जी।